फ्लॉयड की म्यूजिशियन रॉजर वॉट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जामिया के छात्र और कवि आमिर अजीज की कविता सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है। रॉजर वॉट्स ने कविता का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले कहा कि आमिर अजीज एक युवा कवि और सामाजिक कार्यकर्ता है, जो दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फासिस्ट और रेसिस्ट सिटीजनशिप लॉ के खिलाफ लड़ रहे हैं। This is a young man none of us know. His name is, I suspect, his name is Amir Aziz, and he is a young poet and activist in Delhi. He's involved in the fight against Modi and his fascist, racist citizenship law. I'll read a little bit of one of his poems. Amir says, everything will be remembered. Kill us, we will become ghosts and write of your killings. With all the evidence, you write jokes in court, we will write justice on the walls. We will speak so loudly that even the deaf will hear. We will write so clearly that even the blind will read. You write injustice on the earth. We will write revolution in the sky. Yeah. I think this kid's got a future. अभी जो आपने सुना वो आमिर की कविता का इंग्लिश ट्रांसलेशन था। अब हम आपको इस कविता का हिंदी अनुवाद बताते हैं। आमिर अजीज ने जो कविता लिखी है उसकी लाइनें कुछ इस तरह हैं। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, हमारे फटे गले की आवाज को याद रखा जाएगा। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारी कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन लें इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ लें इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पर जुल्म लिख दो आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि आमिर अजीज पटना के रहने वाले हैं और जामिया में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं रॉजर वॉट्स पिंक बैंड को फाउंडर और गिटारिस्ट हैं, और वे लंदन में विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाज की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान ये कविता पढ़ी गई। न्यूज डेस्क।